नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं नज़ारा, ये उत्तर प्रदेश का झांसी का आर कन्या चौराया है और आर कन्या चौराहे में रात के 8 बजे का नज़ारा आप देख सकते हैं। किस हाल में है, चहल पहल है, रौनक है, सर्दी में भी गम नहीं खा रहे लोग, बाग खूब मौज मस्ती के लिए निकल रहे हैं बाजार में। मार्केट संवाद चैनल अपील करता है लोगों से, मौज मस्ती करिए लेकिन बेवजह घर से ना निकलिए, ज़रूरत पड़ने पर ही निकलिए। ऐसा ना सोचें कि सर्दी में बड़ा मज़ा आता है घूमने में, मज़ा तो आता है, जब ठंडी बैठ जाती है तो सब मज़ा धरा रह जाता है। इसलिए हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें। जैसा कि कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहे हैं और आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश और झांसी के लिए कि आज भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कयास लगाए जा रहे थे कि रवि शर्मा का टिकट कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग वाग शर्तें लगा रहे थे, लोग वाग अपने अपनी चर्चाएं कर रहे थे कि रवि शर्मा का टिकट कट जाएगा इस बार, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन सारी कयासें ख़त्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने सारे टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं। मऊरानीपुर छोड़ के किसी का टिकट नहीं काटा गया बुंदेलखंड से। भारतीय जनता पार्टी ने मऊरानीपुर का अभी टिकट रोक के रखा है। अब उनकी रणनीति है कि गठबंधन में जाती है सीट या किसको देते हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं, पूछते हैं क्या रुझान है लोगों का। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, अब आज डिक्लेयर हो गए टिकट, भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग विधायक पर भरोसा किया है रवि शर्मा पर, क्या है ख्याल, जीतेंगे हारेंगे? बहुत अच्छा भरोसा जताया था पार्टी है, अवश्य जीतेंगे। आपका क्या ख्याल है सर, रवि शर्मा दूल्हा बनेंगे, सेहरा बंधेगा? बहुत बढ़िया दूल्हा बनेगा और बढ़िया बारात निकलेगी और बहुत भारी बहुमत, पिछली बार से अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आप भी ध्यान रखें, कोरोना चल रहा है, मास्क लगाएं। नहीं, अभी तो बातचीत कर रहा है इसलिए मास्क हटा लिया है। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। नमस्कार, अब कयास खत्म हो गए हैं लोगों के, आज डिक्लेयर हो गए हैं टिकट पूरे बुंदेलखंड के और जैसा कि सिटिंग विधायक रवि शर्मा को झांसी से टिकट दिया गया है, तो आपका क्या ख्याल है टिकट के बारे में, अब बनेंगे दूल्हा के, क्या होगा? जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका विश्वास जमाया है और लोगों को उनके काम से संतुष्टि भी है। विधायक जी 5 साल में काम कराया उन्होंने, कुछ जो लोगों की अपेक्षा थी उसके अनुसार किया, क्योंकि कोरोना काल चला है, कोरोना काल में वैसे भी आदमी अपने घरों में रहे हैं, है तो इस वजह से। मतलब आपका कहना है कि मौका ज्यादा मिला नहीं कोरोना की वजह से? इस बात है, उतना समय नहीं मिला और समय मिलता तो जो अभी काम हुआ उससे भी ज्यादा काम। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार, आज भाजपा ने टिकट क्लियर कर दिया है झांसी का और बुंदेलखंड की सीटों का, तो फिर से भरोसा जताया है रवि शर्मा पर, तो क्या होगा रवि शर्मा जी का? तो आगे जनता तय करेगी यार, तो क्या होगा, आप जिताएंगे कि हराएंगे इस बार? तो जनता तय करेगी, सब मिलके जो भी होगा। नहीं तो आपका क्या विचार है, क्या नंबर दोगे? कंपटीशन पर आएंगे ये लोग। अच्छा अंकल जी नमस्कार, नमस्कार। अब फिर से भरोसा जताया है भाजपा ने रवि शर्मा पर, तो क्या ख्याल है अंकल जी, इस बार बनेंगे दूल्हा? बनेंगे। अच्छा, अगर हमें हिंदू रहना है तो बनना पड़ेगा, भाजपा को देना पड़ेगा। अच्छा, अल्लाह अकबर। अच्छा, इसलिए हिंदू जागो, कोई चमार नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई बनिया नहीं, सब हिंदू एक हैं, हिंदू अलग। बुंदेलखंड के सारे टिकट डिक्लेयर हो गए, मऊरानीपुर का भी मालूम, बबीना का भी, पारिछा का मालूम है, जीतेगी बीजेपी। धन्यवाद काय भज्जा, अब चुनाव डिक्लेयर हो गए, आज टिकट बट गए, तो का है ख्याल, आप फिर से भरोसा जताया रवि शर्मा पर? बिल्कुल पक्का, रवि शर्मा और कौन है, वही जीतेगा और कौन जीतेगा? अच्छा, वो जीते तो जीते, मोदी तो जीतेंगे ना? नहीं तो रवि शर्मा है यहाँ से, तो सिटिंग विधायक, तो विकास विकास किया उन्होंने 5 साल में, सब विकास ही विकास है। हाँ, सब विकास ही विकास है। और पार्टी कूदेंगी, उनका क्या ख्याल है, अखिलेश है, मायावती है? भाई साहब आप बड़े हंस रहे थे, क्या बात है, किन्हें जिता रहे ठंड में? मोदी 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 योगी राज,
तो यहाँ से तो रवि शर्मा खड़े होंगे। सदर सीट से देखिए, मैं महोबा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ महोबा से राकेश गोस्वामी को हुआ, चरखारी विधानसभा राकेश गोस्वामी का हुआ है, राजपूत जी का अगर चरखारी से हुआ उन्होंने, वहाँ से पक्का निकल गई। धन्यवाद बहन जी, नमस्ते। अब की बार किसकी सरकार? फिर से मिला है रवि शर्मा को भाजपा से टिकट, झांसी का जो सिटिंग विधायक है, क्या ख्याल है उनके बारे में? बनेंगे इस बार, बनेंगे विधायक, बनेंगे, जीतेंगे? बनना तो चाहिए। विकास किया है उन्होंने? किया है, वो इंसान भी अच्छे हैं। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, फिर से भरोसा जताया है रवि शर्मा पे पार्टी ने, क्या ख्याल है, बनेंगे दूल्हा? दूल्हा नहीं बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, और देश की सेवा, झांसी की सेवा बहुत करी है लोगों की। धन्यवाद। और बताएं, विकास किया है कुछ पाँच साल में? और विकास किया, लोग सुनते हैं, ऐसा विधायक नहीं मिलेगा जिसके दरवाजे लौट के आना पड़े। लोग आग तो कह रहे कि कुछ नहीं किया, टिकट कटेगा, जो होगा वो होगा, सब कयास धरे के रह गए। भ्रम था, जो आदमी 65,000 वोटों से जीता है झांसी, उसका टिकट कैसे कट जाएगा? धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। भाई साहब, फिर से भरोसा जताया है रवि शर्मा पर पार्टी ने, भाजपा ने, क्या ख्याल है, बनेंगे दूल्हा, जीतेंगे? समय बताएगा भैया। हैं, ये तो समय बताएगा। मतलब उन्होंने किया है कुछ क्या नहीं किया पाँच साल में? ये तो जनता जानेगी। जनता तो आप भी हैं, लोग कयास लगा रहे थे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कटेगा, शर्तें लग रही थी, अब डिक्लेयर हो गए, तो क्या ख्याल है? अरे तुम्हारा क्या ख्याल है? इस बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता हूँ। क्यों, आप तो खुद पार्टी के मतलब पदाधिकारी हैं किसी दूसरी पार्टी के, तो राय की कोई बात ही नहीं, अपने खुद ही नहीं बोल पा रहे। अब ये तो समय बताएगा भाई। धन्यवाद अंकल जी, नमस्कार। फिर से भरोसा जताया है पार्टी ने रवि शर्मा जी के ऊपर, क्या ख्याल है उनके बारे में? बनेंगे विधायक इस बार? बनना चाहिए अंकल। आपका क्या ख्याल है? ख्याल है बनना चाहिए। धन्यवाद अंकल जी, नमस्कार। अब फिर भरोसा जताया है पार्टी ने रवि शर्मा के ऊपर, तो इस बार क्या है ख्याल, बनेंगे विधायक के नहीं बनेंगे? बनेंगे, बनेंगे। हैं? बनेंगे, बनेंगे? काम वाम किया है? किया है। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। भाई साहब, फिर से टिकट मिल चुका है रवि शर्मा को भाजपा से, तो इस बार क्या है ख्याल आपका? भाजपा जीते हैं? जीते की भाजपा। अच्छा, तो और पार्टियां हैं वो नहीं जीतेंगी? सपा है, कांग्रेस है, भाजपा है। अच्छा, हम पूछते हैं, सब यंग बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब, फिर से मिल गया है रवि शर्मा जी को टिकट, भरोसा किया है पार्टी ने उनके ऊपर, तो इस बार क्या है ख्याल, किस मुद्दे पे वोटिंग करोगे, जीतेंगे विधायक जी? अब इसके लिए देखो, ऐसा है, जनता है, ठीक है ना? हुँ. और रही बात विधायक जी की, तो अब जनता फैसला करेगी, इसमें हम आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कुछ काम किए पाँच साल में कि नहीं किए, क्या कह दें हम? नहीं, आप क्या नंबर देना चाहोगे 10 में से उनको, रवि शर्मा को क्या नंबर देना चाहोगे? देखो, हम इसका कोई फैसला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा इस समय। क्या नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा है? अंकल जी नमस्कार। अब फिर से रवि शर्मा पर भरोसा जताया है पार्टी ने, तो क्या बनेंगे इस बार दूल्हा? फिर से तीसरी बार बनेंगे? उम्मीद तो है बनेंगे। उम्मीद है? बिल्कुल। मतलब पूरे तरीके से नहीं कह सक रहे? उम्मीद है, लेकिन बन सकता है। अच्छा, तो काम आप किए हैं पाँच साल में कि नहीं? काम तो किए उन्होंने। अच्छा, धन्यवाद सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। अब क्या है, कयास खत्म हो गए हैं? जो लोग वहाँ कयास लगा रहे थे कि रवि शर्मा का टिकट कटेगा कटेगा, शर्तें लग रही थी, अब टिकट मिल गया है उनको, तो क्या है ख्याल अब उनके बारे में? तो बड़ी पही लगा रहे हैं, आज मार्केट में घूमे थे, हैं? आज मार्केट में घूमे थे। हाँ, सर्वे किया हमने, ये क्या प्रोग्रेस है की? तो बनेंगे विधायक, बनेंगे? तो है काफी अपनी इनकी योगी जी की जो गुडविल है वही इनकी बस। और इनकी कुछ नहीं है गुडविल रवि शर्मा की? गुडविल नहीं है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आप बड़े मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है, ठंड में बताओ? बस आपकी बातें सुन
तो क्या है ख्याल अब इस बार? उम्मीद तो पार्टी है, पार्टी के वजह से जीतने हैं। रवि शर्मा जी की वजह से नहीं जीतेंगे? रवि शर्मा के भी है लेकिन सबसे बड़ा मैं तो काम किया है उन्होंने 5 साल में। ठीक है काम तो खैर कुछ है किया है, बाकी और पार्टियां हैं, सपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, बीजेपी आई। धन्यवाद। अच्छा नमस्कार, का है ख्याल अब? मिल गया टिकट? हाँ जी मिल गया। रवि शर्मा जी को? हाँ जी टिकट मिल गया। लोग कयास लगा रहे थे कटेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आप क्या करना चाहिए बताओ? रवि शर्मा जी को टिकट मिला है तो अच्छी बात है, जो होता है वो अच्छा ही होता है, अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे की। तो क्या देखना, तुम दूल्हा बनाओगे तो बनेंगे? तीसरी बार बनाओगे? कोशिश पूरी रहेगी, देखते हैं। धन्यवाद भाई जान। नमस्कार, अब मिल चुका है टिकट, डिक्लेयर हो गए हैं भाजपा के, बुंदेलखंड के जो टिकट रुके थे तीसरे चरण के, और रवि शर्मा जी को मिल गया है टिकट झांसी से। क्या ख्याल है उनके बारे में, बनेंगे दूल्हा इस बार, विधायक बनेंगे? आपका है क्या सपोर्ट? करने धन्यवाद। की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार, योगी है मुख्यमंत्री तो? हाँ, योगी जी। अच्छा, और पार्टी भाजपा सपा कांग्रेस? भाजपा। मायावती? मायावती सपा, सपा, सपा। का कह रहे तुम अब? क्या चुप कह रहे थे? सपा सपा कह रहे थे, का कह रहे थे? मोदी सरकार आएगी और क्या? मोदी थोड़ी आएंगे, योगी इसको। जी अब कयास लगाए जा रहे थे और रवि शर्मा जी को फिर से टिकट मिल गया है तीसरी बार, तो किस बार बनेंगे विधायक? बिल्कुल बनेंगे। 100%? 100%। और सपा भाजपा कांग्रेस वाले कहाँ जाएंगे? सब बाहर। अरे काम किया है कुछ उन रवि शर्मा ने 5 साल? काम किया। मोदी के नाम पे वोट करोगे कि रवि शर्मा जी ने काम किया उस पे करोगे? मोदी के नाम पे। रवि शर्मा के नाम पे नहीं, नहीं। मतलब रवि शर्मा को नहीं चाहते, मोदी को चाहते? को भी चाहते हैं, रवि शर्मा जी को भी चाहते हैं। धन्यवाद सर। लेकिन वोट मोदी के नाम पर। धन्यवाद। इस सीपरी बाजार सुभाषगंज का नजारा है जो आप देख रहे हैं। की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार, और झांसी से कौन बना रहे दूल्हा? रवि शर्मा जी। शर्मा जी हैं? शर्मा जी नहीं, रवि शर्मा को बना रहे। नहीं बना रहे काहे? उन्होंने कोई विकास नहीं किया, 5 साल में कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। सब वो तो सबको कह रहे सिलेंडर बटे, राशन बटा, रोडें चमक गई, लाइटें चमक गई। हमारा रवि शर्मा के स्टाफ से हमारा वो पहचान पत्र बनाने के लिए वोटर कार्ड के लिए आया था ऑफिस से। हाँ। अभी तक 1.5 महीना हो गया, अभी तक पहचान पत्र घर पे नहीं आएगा, बोल रहे थे कि 7 दिन में आएगा। अच्छा, तो मतलब नाराज हो तुम? हाँ। तो आप कितने दोगे? और हमारी गली में नल की पाइपलाइन भी नहीं है, पानी की लाइन भी नहीं है। अब कितने बनाओगे दूल्हा? अब देखेंगे, हम वो अपने बताएंगे, गुप्त में बताएंगे। आप किसको बनाओ? रवि शर्मा जी। धन्यवाद। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।